वेलकम ऑल ऑफ यू इन बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस बहुत सारे क्वेश्चंस कंसीडर्ड हुआ है। वेक्टर सब स्पेस का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। और देखिए क्वेश्चन हम लोगों का फर्स्ट क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स अल्फा, अल्फा जो भी है वो आर टू पावर एन का एलिमेंट है, तो एन क्वाड्रेंट में दिया गया है, जैसे ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन। तो जहाँ देखिए अल्फा में स्मॉल ए इज ए रियल नंबर, एक रियल नंबर है, कैपिटल आर का एलिमेंट है, तो बहुत सारे कैपिटल आर के एलिमेंट रख करके एन क्वाड्रेंट में इसको एडजस्टमेंट किया गया है, ठीक ना। तो अल्फा इस तरह का एक एलिमेंट है, जो भी हम एक सेट बना रहे हैं उस सेट का, जिसको हमको सब स्पेस प्रूफ करना है, ठीक ना। तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए दो बातें ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर रहे कि हमारा सब सेट क्या है जिसको हमको सब स्पेस प्रूफ करना है। दूसरी बात, फील्ड क्या है जिस पे हमको ऑपरेट करके उसका यूज करना है। तीसरी बात, वेक्टर स्पेस क्या है। तो वेक्टर स्पेस कॉमन रहता है, दिया भी रहता है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस है हमारा आर टू पावर एन, ठीक ना, आर टू पावर एन एक वेक्टर स्पेस है, तो जिसका फील्ड कैपिटल आर है, जो कि नहीं दिया गया है लेकिन होता है, इतना देने पर आपको समझ लेना चाहिए कि फील्ड हमारा क्या है। फील्ड मीन्स कैपिटल एफ की चर्चा होती थी सब स्पेस डेफिनेशन में, तो कैपिटल एफ हमारा कैपिटल आर हो जाएगा फील्ड, और कैपिटल डब्ल्यू एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट अल्फा होंगे और एन क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ये पांच क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस रहेगा कैपिटल डब्ल्यू के एलिमेंट के लिए, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा सच दैट ए वन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा डब्ल्यू का अल्फा रहेगा, ठीक है, बीटा रहेगा और सारे एलिमेंट इसमें रहेंगे, तो उसके एन क्वाड्रेंट के एलिमेंट्स रहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स के, ठीक। तो उसमें फर्स्ट ए वन मतलब पहला प्रथम एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये इसका विशेष कंडीशन हो गया सबसेट कैपिटल डब्ल्यू का। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अल्फा कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट तो रहेगा एन क्वाड्रेंट में भी रहेगा, लेकिन उसके साथ आपका विशेष कंडीशन क्या दे रहा है, ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए थ्री होना चाहिए, मतलब पहले एलिमेंट प्लस थ्री टाइम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट समेशन का मान ए थ्री के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। अगर ऐसा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है सब स्पेस के सारे नियम को, तो ये वेक्टर सब स्पेस बनेगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में अल्फा का जो भी एलिमेंट रहेगा ए वन ए टू ए थ्री, उसमें संबंध ये रहेगा कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये इसका कंडीशन हो गया। चौथे क्वेश्चन में देखिए, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का मल्टीपल्स इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ए टू इज रेशनल नंबर, मतलब अल्फा का सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एलिमेंट है ए टू, ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे विशेष कंडीशन दिए हैं हर एक पार्ट में क्वेश्चंस के, उसका आपको ध्यान में रख करके वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल डब्ल्यू डिसाइड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और हाँ, एक बात और, ये जो दे रहा है एन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एन का मान हमेशा यहाँ तीन या तीन से बड़ा कंसिडर किया जाएगा इन्फाइनाइट नंबर की ओर, तो वो बात भी ध्यान दीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन, गिवन वेक्टर स्पेस इज आर टू पावर एन आर, ये वेक्टर स्पेस दिया है, ठीक ना, क्वेश्चंस में वेक्टर स्पेस ये दिया है, ठीक। इसके अलावा इसका हम लोग सबसेट कंसीडर करते हैं, उसी को हमको इसका सब स्पेस प्रूव करना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसेट क्या रहेगा पहले क्वेश्चन के लिए, देखिए सब स्पेस क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और अल्फा का एलिमेंट्स है ए वन ए टू ए एन, अल्फा एन क्वाड्रेंट का एलिमेंट है, मीन्स आर टू पावर एन वेक्टर स्पेस से इसको कंसीडर किया जा रहा है। इसके साथ
सच दैट मीन्स जो विशेष कंडीशन दे रहा है वो क्या है, जो विशेष कंडीशन दे रहा है वो है आपका A1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, A1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, इतने सारे कंडीशन दिए हैं पहले क्वेश्चंस में। पहले क्वेश्चंस में कैपिटल W एक सेट है जिसका एलिमेंट अल्फा है और अल्फा एन क्वाड्रेंट का एलिमेंट है अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन। इसके अलावा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट A1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो फील्ड भी लिख लीजिए, एंड फील्ड इज कैपिटल R। फील्ड यहाँ जो रहेगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा, और जो भी दिया है A1 वेयर A1 कॉमा A2 कॉमा ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे कैपिटल R टू पावर n, ठीक ना, सॉरी R, ये सारे एलिमेंट रियल नंबर्स रहेंगे जो भी दिया है A1 A2 An या और सारे एलिमेंट्स जो भी दिए हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर हैं, कैपिटल R के एलिमेंट हैं, मतलब फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक ना। तो कंडीशन साफ जाहिर है W इज अल्फा, एलिमेंट फर्स्ट ग्रेटर देन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। ये बात इसमें ध्यान रख करके आपको इसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, वेक्टर सब स्पेस के कंडीशंस प्रूव करने हैं, ठीक ना। तो देखिए कैसे हो जाएगा, इफ अल्फा बिलोंग टू कैपिटल W इट इज इम्प्लाइड दैट अल्फा का मान हो जाएगा A1 A2 An, ठीक है, एंड क्या लिखिएगा, सच दैट लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, सच दैट A1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग अल्फा W का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो ये इस नियम को फॉलो करेगा, मीन्स आपको ये पूरा कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, सच दैट कंडीशन पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी नियम दिया है कैपिटल W के, तो कैपिटल W का एक नियम दिया है उसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। A1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पहला क्वाड्रेंट आपको पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा हम एक रियल नंबर भी लेते हैं, सपोज दैट A बिलोंग टू कैपिटल R मीन्स फील्ड से, इट इज इम्प्लाइड दैट A इज ए स्केलर, तो एक स्केलर भी कंसिडर करना पड़ता है वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप एक एलिमेंट और बीटा लेकर के कैपिटल सॉरी स्मॉल बी दो स्केलर कंसीडर कर लेते, दो वेक्टर कंसीडर कर लेते तो उससे भी प्रूफ हो जाता, और इससे और इजी तरीका है और शॉर्टकट में भी प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता लेकिन इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि W का जो भी एलिमेंट होता है वो हमारा वेक्टर के नाम से जाना जाता है, हाँ, और फील्ड F का जो भी एलिमेंट रहेगा वो किसके नाम से जाना जाएगा, स्केलर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो स्केलर एलिमेंट रहेगा और ये वेक्टर एलिमेंट रहेगा, ठीक। देन A अल्फा का मान आप निकालिए, A अल्फा का मान निकालने के लिए A टाइम्स अल्फा का मान रखना पड़ेगा, अल्फा हो जाएगा हमारा A1 A2 एंड An, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा A टाइम्स A1 A टाइम्स A2 एंड A टाइम्स An, ठीक। अब आपको साबित ये करना है कि A अल्फा कैपिटल W का एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक ना। तो बताइए कैसे हो सकता है ये कैपिटल W का एलिमेंट हो सकता है कि नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन ये है कि ज़रा देखिए कैपिटल W के डेफिनेशन में पहला एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है, A टाइम्स A1, ये पॉजिटिव कब होगा, जब A1 पहले से पॉजिटिव है, अगर इसी में किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक, लेकिन अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल के अनुसार स्मॉल ए जो है R है, ये रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, अगर नेगेटिव इसको रखते हैं तो ये डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल W, ठीक है ना। तो विच डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल W इफ A इज लेस देन जीरो, A इज लेस देन जीरो, ठीक ना। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल W,
ठीक। तो ए अल्फा अगर W का एलिमेंट नहीं बनता तो डेफिनेशन के अनुसार कैपिटल W के डेफिनेशन के अनुसार W का एलिमेंट नहीं है फिलहाल, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस के अनुसार आपका कैपिटल W सब स्पेस नहीं होगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस कैपिटल W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर टू पावर एन। ठीक है, तो इस केस में दिया गया सबसेट कैपिटल W इज नॉट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर टू पावर एन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बट W में ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन, यही विशेष कंडीशन होता है प्रूव करने के लिए सब स्पेस है कि नहीं। तो एक एलिमेंट W से ले लेते हैं, एक एलिमेंट स्केलर कैपिटल R से ले लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे A अल्फा इज इक्वल टू A टाइम्स A1 A2 ये पूरा। अब A टाइम्स A1 आया है फर्स्ट, पहला क्वाड्रेंट बन रहा है A अल्फा का। तो देखिए अगर A निगेटिव होता है तो A A1 भी निगेटिव हो जाएगा, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो W का एलिमेंट होने कोई चांस नहीं बनेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में भाई W का एलिमेंट नहीं होता है ए अल्फा, तो बाय डेफिनेशन आप सब स्पेस के अनुसार कैपिटल W कैपिटल R पावर n का सब स्पेस नहीं हो पाएगा। ठीक ना, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा जो है ए वन एंड ए टू का मल्टीपल्स इज इक्वल टू होना चाहिए जीरो। नहीं, सेकंड क्वेश्चन में है अल्फा इस तरह है, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थ्री टाइम्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट इज इक्वल टू ए थ्री थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बस आप एक ही नंबर से काम नहीं चला पाएंगे, इसमें दो नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कैपिटल W क्या है सेकंड के लिए। कैपिटल W इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री ए एन इस तरह। ठीक, सच दैट कंडीशन दे रहा है ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, ये कंडीशन दे रखा है। ठीक ना, अब जहाँ पे यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए वन स्मॉल ए टू ये सब क्या है रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन में डिसाइड है और इसको बार बार आपको नहीं लिखेंगे तब भी सही रहेगा। तो कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट क्लियर कर लीजिए, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमको सब स्पेस प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट कंसीडर करना ही पड़ेगा, एक आपको कैपिटल डब्ल्यू से दो एलिमेंट वेक्टर और दो एलिमेंट आपको स्केलर से। ठीक है, तो स्केलर क्या है उसको भी लिख लीजिए, एंड स्केलर है आपका कैपिटल F मीन्स कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसके दो एलिमेंट आप कंसीडर कर लेंगे, यहीं लिख लेते हैं एफ ए एंड बी बिलोंग टू आर एंड अल्फा कॉमा बीटा। वेक्टर के दो एलिमेंट लीजिए अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू कैपिटल W, इट इज इम्प्लाइज दैट देखिए W के जैसे ही एलिमेंट हम दो कंसीडर करेंगे वो एन क्वाड्रेंट में तुरंत लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार वो कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा आपका रहेगा ए वन ए टू ए एन ए थ्री भी लिखिएगा क्योंकि यहाँ इसकी आवश्यकता है, एंड बीटा हो जाएगा आपका बी वन बी टू बी थ्री एंड बी एन। ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री ए एन बी वन बी टू बी थ्री बी एन, ये दो क्वाड्रेंट मिलेंगे एन क्वाड्रेंट के दो वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा ये W का एलिमेंट अल्फा एंड बीटा है तो कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा निश्चित रूप से। सच दैट देखिए कंडीशन क्या है, जब अल्फा हम लोग लेते थे तो इसके एन क्वाड्रेंट होते थे ए वन ए टू ए थ्री ए एन। ठीक ना,
जिसमें क्या खासियत है, पहला क्वाड्रेंट थ्री टाइम दूसरा क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, ए थ्री होना चाहिए, तो इसका विशेष सिचुएशन है, विशेष कंडीशन है, तो इसको आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये हो जाएगा ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, एंड इसीलिए जैसे अल्फा के लिए इक्वेशन बनेगा उसी तरह आपका बीटा के एलिमेंट्स के लिए भी कंडीशन बनेगा। ठीक है ना, तो बीटा के लिए हो गया बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू इज इक्वल टू बी थ्री। ठीक, तो बीटा के लिए भी कंडीशन से लिख लीजिए बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू इज इक्वल टू बी थ्री। ठीक, बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू इज इक्वल टू बी थ्री, ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू इज इक्वल टू बी थ्री। ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे आपको इस सवाल को हल करने के लिए। ठीक है ना, और ये दोनों आए कैसे हैं पता ही है, अल्फा एंड बीटा डब्लू का एलिमेंट है, इसलिए उसके नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, एंड बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू इज इक्वल टू बी थ्री। ठीक है ना, तो इन दोनों का यूज कर लीजिएगा, बाद में यूज होगा और देखिए कहाँ पे यूज होता है। देन ए अल्फा प्लस बी बीटा, अब ए अल्फा और बी बीटा का मान सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपको साबित ये करना पड़ेगा कि ये कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, अगर कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है तब तो निश्चित रूप से आप कैपिटल डब्ल्यू को सब स्पेस आप आर टू पावर एन वेक्टर स्पेस का लिख सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल डब्ल्यू सब स्पेस नहीं बनेगा। ठीक, तो देखिए कैसे, ए अपनी जगह है, अल्फा का मान हम लोग लिख देते हैं ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन, प्लस बी अपनी जगह है, बीटा का मान लिखिएगा बी वन कॉमा बी टू बी थ्री डॉट डॉट बी एन। ठीक ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई एन क्वाड्रेंट का हम बहुत पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, तो ये बहुत आश्चर्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जो पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हो। ठीक है ना, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए टाइम्स ए वन कॉमा ए टाइम्स ए टू कॉमा ए टाइम्स ए थ्री ए टाइम्स ए एन, प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टाइम्स बी वन बी टाइम्स बी टू बी टाइम्स बी थ्री बी टाइम्स बी एन। इस तरह का आपका मल्टीप्लीकेशन एंड समेसन एडजस्टमेंट कर जाएगा एन क्वाड्रेंट का। ठीक है ना, अब इन दोनों को ऐड करना है, देखिए बीच में प्लस साइन का यूज किया गया है, तो ऐड का नियम जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, इस तरह यूज होगा। ठीक, तो देखिए कैसे, इज इक्वल टू ए टाइम्स ए वन प्लस बी टाइम्स बी वन पहला क्वाड्रेंट बनेगा, फिर ए टाइम्स ए टू प्लस बी टाइम्स बी टू दूसरा, फिर ए टाइम्स ए थ्री बी टाइम्स बी थ्री तीसरा, एंड लास्ट में एनवा आपका बनेगा ए टाइम्स ए एन प्लस बी टाइम्स बी एन। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों क्वाड्रेंट को हम लोग जोड़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको साबित ये करना है ए अल्फा प्लस बी बीटा कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका एलिमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो भाई देखिए कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट वही होगा जैसे अल्फा कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है। क्यों है, इसलिए है कि इसका पहला क्वाड्रेंट प्लस थ्री टाइम दूसरा क्वाड्रेंट इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के बराबर है, इसलिए ये अल्फा का एलिमेंट है, या कोई भी अल्फा का एलिमेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो यही बात आपको कंडीशन सेटिस्फाइड करा करके प्रूव कर देना है। ठीक, देखिए कैसे, सेंस क्या लेना है आपको, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ए टाइम्स ए वन बी टाइम्स बी वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ इसका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड है ए टाइम्स ए टू बी टाइम्स बी टू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के बराबर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, इतना आना चाहिए। ठीक ना, अगर आ जाता है तो कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट हम लोग लिख देंगे और कैपिटल डब्ल्यू एक सब स्पेस साबित हो जाएगा। तो ज़रा इसको एडजस्टमेंट करिए, इसमें हम लोग करते ये हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बता चुके हैं, जिस तरह ऐसे भी कभी भी सिचुएशन आपके सामने आए
तो बस जो दो स्केलर आप मान रहे हैं उसमें से पहले वाले स्केलर का कलेक्शन एक जगह कर लीजिएगा, फिर दूसरे वाले स्केलर का कलेक्शन दूसरे जगह कर लीजिएगा, दूसरे ब्रैकेट में, कहने का हमारा मतलब है। तो अपने आप ये बहुत ही सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ए टाइम्स ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टाइम्स ए टू, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग, प्लस बी टाइम्स बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू, दूसरे में कर लेते हैं। इसमें पूरा ए है और उसमें पूरा बी है, स्केलर ए और बी माने थे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूरा ए एंड इसमें पूरा बी है। हम ए कॉमन लीजिएगा, ए आ जाएगा ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू, और इसमें बी आप कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा बी वन प्लस थ्री टाइम्स बी टू, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऊपर से दो इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों का वैल्यूएशन क्या है, ए थ्री एंड बी थ्री है, तो ये मान आप पुट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पुट करेंगे ये हो जाएगा ए टाइम्स ए थ्री प्लस बी टाइम्स बी थ्री, ठीक ना। यही है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जरा देखिए ए टाइम्स ए थ्री प्लस बी टाइम्स बी थ्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जो भी वेक्टर सब स्पेस का यहाँ पर सिचुएशन दिया गया है W के लिए वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस बिलोंग टू कैपिटल W, ठीक। तो देयरफोर कैपिटल W इज ए सब स्पेस, इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R टू पावर n R, hence proved, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा फिलहाल, लेकिन बस जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आप हमेशा लर्न रखिए। जो भी सबसेट देगा उसका एक विशेष कंडीशन जो देता है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में विशेष कंडीशन क्या था, ए वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरे वाले में विशेष कंडीशन था ए वन प्लस थ्री टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, ठीक। इन विशेष कंडीशन को ध्यान रखते हुए आप दो एलिमेंट कैपिटल डब्लू के टेकन कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा के नाम से जानेंगे और वेक्टर के नाम से जानेंगे, और दो एलिमेंट स्केलर के कंसीडर कर लेंगे जिसको हम लोग स्केलर कैपिटल आर से कंसीडर कर लेंगे, जिसको स्केलर के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर ए अल्फा बी बीटा का मान निकाल करके आपको उसको दिखाना पड़ेगा कैपिटल डब्लू का एलिमेंट है कि नहीं है, तो वेक्टर सब स्पेस बनेगा, और अगर नहीं है तो वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बन रहा है। इसके और दो क्वेश्चंस जो भी हैं करिए, सॉल्व करिएगा इसी तरह ध्यान में रख करके, एक तरह से होमवर्क मान के चलिएगा इसको, और एक दो क्वेश्चन जो रह जा रहे हैं करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर हो सकता है इसी पर डिस्कस करें, और क्वेश्चंस को होमवर्क में जो दिया जा रहा है उसको एक बार कोशिश किया करिए सॉल्व करने के लिए। बस इसी बेस पे रहेंगे, बस ध्यान यही दीजिएगा कि जो भी हम लोग डब्लू टेकन कर रहे हैं उसका विशेष कंडीशन क्या है। कभी एक ही एलिमेंट से काम चल जाता है, ए अल्फा बिलोंग करा करके सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा, या नहीं भी होता तो प्रूफ हो जाएगा। और कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में ए अल्फा प्लस बी बीटा टेकन करना पड़ता है और उसको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, जिसमें जो भी हो जैसा भी हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स, ओके।